रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने आजम खां पर चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए 48 घंटे के बैन के विरोध में अपना विरोध जाहिर किया। सपा कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय पर इकट्ठे होकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस दिन आजम खान से बैन हटेगा उसी दिन वो काली पट्टी खोलेंगे। काली पट्टी आपने हमने काली पट्टी इसलिए मानी है कि जो आजम खान साहब के ऊपर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया है उसके खिलाफ हमने पट्टी बांधी है सभी सपा कार्यकर्ताओं ने, और ये पट्टी हम जब प्रतिबंध हटेगा उसी दिन खोलेंगे। विरोध जाहिर किया सबने भी अपना विरोध जाहिर किया है। कब खोलेंगे पट्टी आप? जिस दिन ये प्रतिबंध आजम भाई ऊपर से हटेगा उसी दिन ये पट्टी। चुनाव आयोग द्वारा आजम खान पर 48 घंटे के बैन के बाद आजम खान खुद तो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, लेकिन उनके वक्तव्य को सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने मीडिया के सामने रखा। उन्होंने चुनाव आयोग से एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया, वहीं बैन को आजम खान की आवाज दबाने की साजिश करार दे दिया। सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से हमारी एक भी शिकायत का संज्ञान चुनाव आयोग ने नहीं लिया। वहीं आजम खान पर एक बार फिर 48 घंटे के बैन लगाने के सवाल कड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आवाज दबाने के लिए किया गया है ताकि आगे जो क्षेत्र रह गए हैं वह ना बोल सके। जिस चीज की सजा एक बार दे दी है 72 घंटे की, वो भी गलत, वही बीजेपी के प्रधानमंत्री को देखिए। चुनाव जब से शुरू हुआ है अब की बार मंदिर का मुद्दा नहीं है तो उन्होंने पूर्व सैनिकों का मुद्दा लेकर चल रहे हैं जो कि आचार संहिता के अंतर्गत आता है। रोज शिकायतें हो रही हैं लेकिन आज उन्हें क्लीन चिट दे दी है। वहीं जिलाध्यक्ष ने चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री अमित शाह पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, मगर हमने पिछले हम जब से चुनाव शुरू हुए तब से इतनी शिकायतें चुनाव आयोग से हमने कही है, मगर एक किसी हमारी शिकायत का संज्ञान में नहीं लिया गया। एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। कल आपने देखा, आज समाचार पत्र में भी आया है कि माननीय आजम का मोहम्मद आजम खान पर फिर 48 घंटे का बैन सुबह से लगा दिया। ये किस बिना पर लगाया है? सिर्फ आवाज दबाने के लिए। जहां आगे अभी पूरे जो क्षेत्र रह गए हैं उसमें माननीय को इनकी आवाज को दबाया जाए जिससे ये चुनाव में आगे, क्योंकि और कोई नया कोई आरोप होता तो भी समझ में आता, उसी आरोप को दोबारा जिस चीज की एक बार सजा दे दी इन लोगों ने 72 घंटे की, वो भी गलत। और आप देखिए, आपके बीजेपी के प्रधानमंत्री को देखिए आप, उनके जब से चुनाव शुरू हुआ है सिवाय उन्होंने जिस चीज में, अब की बार मंदिर का मुद्दा नहीं तो उन्होंने पूरा सैनिकों का मुद्दा लेके चल रहे हैं जो आचार संहिता के अंतर्गत आता है। रोज शिकायतें हो रही हैं उनकी, मगर एक बार भी उनको कोई नहीं, आज उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। कल उन्होंने वहां बंगाल में देखिए 40 विधायकों का उन्होंने जब उनकी बात हुई होगी तभी तो उसी बिना पे कह रहे हैं वो, तो इसका मतलब आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, इसका मतलब क्या है? हम अपनी बात आपके द्वारा पहुंचाना चाह रहे हैं कि उन पर भी कार्रवाई की जाए। क्या मानते हैं प्रधानमंत्री जी पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा, बिल्कुल एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री अमित शाह जी पे कोई आज तक कोई, जबकि उनके। वहीं सपा नगर अध्यक्ष असीम रजा ने कहा कि लगता है आजम खान के खिलाफ बीजेपी तो है ही, इसके साथ ही चुनाव आयोग भी उनका एक हिस्सा बन चुका है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। हर शख्स को अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन आजम खान की जबान बंद करके वह आजादी छीन लेना चाहती है। आजम खान को कमजोर की आवाज बताते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसे बंद कर देना चाहती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने लोकल इलेक्शन अथॉरिटी के खिलाफ बोलने पर और मजहबी जज्बात को भड़काने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आजम खान ने संविधान के अनुसार ही आवाज उठाई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन द्वारा आजम खान पर की गई कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया, असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि सही बात कहने वाले हिंदुस्तान की ऐसी कम्युनिस्ट जिसकी तादाद हिंदुस्तान के चौथाई आबादी के बराबर है उसकी जबान बंद कर देने की साजिश है। हमें अफसोस है कि हमें इलेक्शन कमीशन इसमें शरीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी, बीजेपी नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं लोकल अथॉरिटीज का जिक्र करते हुए जिलाधिकारी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा रामपुर जिले में सबसे ज्यादा वोट है, वहां सबसे कम परसेंटेज रही है, वोटिंग की क्या इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है? इलेक्शन कमीशन इस बात को देखने के लिए तैयार नहीं कि रामपुर विधानसभा में वोट कम क्यों पड़े हैं। और ये तो ये लगता है कि आजम खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन, बीजेपी तो है ही आजम खान साहब की जमान बंद करने और उन्हें हर तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ,
लेकिन लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन भी अब उसी का एक हिस्सा बना है, बन चुका है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के दायरे में रहकर ही काम उसे करना चाहिए। हर शख्स को अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन आजम खान जैसे नेताओं की जबान बंद करके वो आजादी छीन लेना चाहती है, उसे खत्म कर देना चाहती है। कमजोरों की, मुसलमानों की एक मजबूत आवाज है, वो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे बंद कर देना चाहती है। आजम खान ने कोई ऐसी बात नहीं कही है और मैं कभी भी नहीं कही है जो संविधान के खिलाफ हो। इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड ये दिए है कि साहब लोकल इलेक्शन अथॉरिटीज के खिलाफ आपने कहा है और आपने मजहबी जज्बात को भड़काने का काम किया है। आजम खान ने मजहबी जज्बात कभी नहीं भड़काए। आजम खान की सियासत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ साथ लेके चलने की सियासत है। हाँ, अगर किसी कम्युनिटी पर कोई जुल्म हो रहा है, चाहे वो प्रशासन करे या शासन करे, उसके लिए तो आवाज उठाना है, यही तो हमारा संविधान कहता है। आजम खान ने उसके लिए आवाज उठाई है। कोशिश ही नहीं कि हमारा दर्द क्या है। नहीं, हमारा कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई की है बिल्कुल गैरकानूनी है, बिल्कुल असंवैधानिक है। और ये इस बात की कोशिश है कि एक हक बात कहने वाली, एक सही बात कहने वाली, एक हिंदुस्तान की ऐसी कम्युनिटी जिसकी तादाद हिंदुस्तान की एक चौथाई आबादी के बराबर है, उसकी जबान बंद कर देने की एक साजिश और एक कोशिश है। और हमें अफसोस यह है कि इलेक्शन कमीशन उसमें शरीक है, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मोदी जी से लेकर और छोटे नेता की योगी जी तक और इनके तमाम नेता क्या क्या नहीं कर रहे हैं। क्या गिरिराज के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या मोदी जी के खिलाफ अपोजिशन हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट जा रही है बार बार मोदी जी के खिलाफ, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सिर्फ आजम खान एक है जिनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई करने पर इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया। 72 घंटे का एक बैन लगाया, 48 घंटे का दोबारा बैन लगा दिया। ये इसके अलावा कोई साजिश नहीं है कि हिंदुस्तान के कानून ने मुसलमानों को खास तरीके से, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, हुई है, और इलेक्शन कमीशन ने यहां जो हमारी लोकल इलेक्शन अथॉरिटी है, जो डीएम साहब जिसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उसका नतीजा यह है कि रामपुर जैसे शहर में जहां जिले की पांचों असेंबली काउंसिल्स में सबसे ज्यादा वोट हैं, पांचों विधानसभाओं में रामपुर जिले में सबसे ज्यादा वोट हैं, वहां सबसे ज्यादा कम परसेंटेज रही है। क्या इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है? क्या इलेक्शन कमीशन इसको देखने को तैयार नहीं है कि राम